फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द वीडियो अबाउट जयपुर जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट पार्ट 10, सेकंड अपडेट ऑफ सितंबर मंथ। और बेसिकली ये जो अपडेट है, सेकंड अपडेट, ये मैं दो पार्ट में आपको देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल डिटेल में। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जयपुर जंक्शन के आउटर्स एंड यार्ड की अपडेट, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा मैं आपको प्लेटफॉर्म की अपडेट, ठीक है। लेकिन अपडेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ यूट्यूबर्स जो है वो जयपुर जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि मतलब जयपुर जंक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सब जगह वायरिंग हो चुकी है और सितंबर मंथ में उसका सीआरएस होने वाला है। और जो सेम न्यूज़ है वो कुछ न्यूज़पेपर में भी मेरे को देखने को मिली है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में ये सब बता रखा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि इस न्यूज़ पर बिल्कुल भी आप यकीन मत कीजिए, ये सब न्यूज़ बिल्कुल फेक है। रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि ये जो न्यूज़ फैला रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और चलते हैं मेन जयपुर जंक्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे मिलिट्री आउटर की तरफ हूँ, जो द्रव्यवती रिवर को क्रॉस करने के बाद में आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पोल्स पे जो प्रॉपर वायरिंग तो हो चुकी है, लेकिन जो वायरिंग का लेवल है, मतलब जो कनेक्टिंग वायर्स होती है ना, एक लेवल में होती है बिल्कुल सिंपल प्लेन, तो वो अभी तक बिल्कुल लेवल में नहीं है। ये जो वायर्स है वो उबड़ खाबड़ तरीके से अभी लगी हुई हैं, मतलब इनका जो प्रॉपर आप समझ सकते हैं ना कि मतलब लेवलिंग का काम इनका नहीं हुआ है कनेक्टिंग वायर्स का। तो अभी यहाँ पे काम ये बाकी पड़ा हुआ है आउटर पे। इसके बाद आप देख सकते हैं द्रव्यवती रिवर से जस्ट पहले का सीन है, यहाँ पे वायर्स की लेवलिंग का काम हो चुका है। और अभी ये जो है जयपुर रिंगस लाइन, वहाँ पे आप देख सकते हैं उधर से पोल्स लगे हैं, वहाँ पे वायरिंग का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब हम पहुँच चुके हैं, मतलब एंटर हो चुके हैं जयपुर जंक्शन मेन यार्ड में। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो दिखेगा कि यहाँ पे वायरिंग का काम बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब वायर्स की लेवलिंग वगैरह बिल्कुल सही हो गई है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे साइड वाली लाइन है, राइट साइड वाली बिल्कुल, तो वहाँ पे अभी तक सिर्फ कैटनरी वायर्स ही लगाई गई थी, वो भी थोड़ी दूर तक। अब इस जगह यहाँ पे कैटनरी वायर्स नहीं लगी हुई हैं, सिर्फ पोल्स ही उधर लगे हुए हैं। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है, और ये जो अभी बीच वाली लाइन है इसमें सिर्फ अभी कैटनरी वायर्स ही लगाई गई है। और अभी जो हमारी ट्रेन है वो जा रही है सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी GSS था, मतलब ग्रेड सब स्टेशन था, वो धीरे धीरे बन रहे हैं। और इस टाइम हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली लाइन पे, और साइड में आप देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वायरिंग हो चुकी है, किधर किधर स्टे ट्यूब्स एंड ब्रेकी ट्यूब्स लगे हुए हैं, किस तरफ कैटनरी वायर्स लगे हुए हैं, ये सब आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। सो अभी हम बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ स्ट्रेट। बाकी जैसा कि बताया था वीडियो में और न्यूज़पेपर में कि मतलब जयपुर जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब कितनी फेक न्यूज़ फैलाते हैं वो लोग। मतलब इन लोगों पे सच में विश्वास करना ही नहीं चाहिए, जो आपके मतलब ट्रस्टेड सोर्स है सिर्फ उन्हीं की बात माने और उन्हीं पर विश्वास करें, मतलब आलतू फालतू वीडियोज़ और न्यूज़पेपर की खबरों पर विश्वास बिल्कुल मत करें। सो ये था हमारा मेन यार्ड जयपुर जंक्शन का, जहाँ पे आपने देख लिया होगा कितनी वायरिंग हो चुकी है, मतलब वायरिंग तो हुई नहीं है बेसिकली, अभी सिर्फ वायरिंग का काम अभी यहाँ पे चल रहा है। और आने वाले शायद 25 तारीख तक यहाँ पे पूरी वायरिंग हो जाएगी मेरे ख्याल से, और मैं वापस जाऊँगा अभी शायद 20 तारीख के आसपास जयपुर जंक्शन, तो आपको पूरी अपडेट दूंगा दोबारा कि मतलब जयपुर जंक्शन के यार्ड में कितनी वायरिंग हो चुकी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जयपुर जंक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्लेटफॉर्म वगैरह पर अभी कितनी वायरिंग हो चुकी है, उसमें मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म की डिटेल्स दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेटफॉर्म की इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।